गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हम सभी की जिंदगी एक काफी लंबी यात्रा है और इसका अंत भी होना निश्चित है, लेकिन यदि हमारे जीवन का एक कोई निश्चित उद्देश्य हो तो यह यात्रा काफी अच्छी, रोचक और उत्साह से भरी हो जाती है। बिना किसी उद्देश्य के जीवन कुछ खास नजर ही नहीं आता। उत्साह, जोश, संतुष्टि, खुशी, इन सभी की हमें कमी नजर आती है। हम सभी में से अधिकांशतः लोग यही सोचते हैं कि जिंदगी मिली है तो इसे जीना ही पड़ेगा, बाकी जीने के लिए कुछ करना होता है तो करना ही पड़ेगा, और बस पूरी जिंदगी हम यूं ही निकाल देते हैं। जिंदगी को एक दिशा देने के लिए हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। हम सभी के जीवन में उद्देश्य का होना उतना ही जरूरी है जितना कि जिंदगी जीने के लिए सांस का होना। जिस तरीके से हमारे हर एक दिन का उद्देश्य होता है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, उसी तरीके से हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य जरूर से होना चाहिए, ताकि जब हमारी जिंदगी का अंतिम समय आए ना, तो उस समय हमारे अंदर संतुष्टि हो कि यह जिंदगी हमने खुलकर जिया, अपने हिसाब से जिया और संतुष्टि के साथ हम विदा लें इस दुनिया से। तो चलिए आज उठाते हैं इसी बात पर पेन और कॉपी और अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर के छुपे हुए शक्तिमान को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हर कोई साधारण ही दिखता है, लेकिन हम सभी में एक असाधारण प्रतिभा होती है। जरूरत है तो हमें उस प्रतिभा को अपने कौशल में निखारने की। हमें बेहतर समय का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें अभी ही कुछ करना है कि ये जो समय है वही हमारे अनुकूल हो जाए। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत सारे पकवान, और बनाने वाली है मेरी मम्मी हम सभी के लिए। आज है पितृ विसर्जन का दिन और आज हमारे यहाँ बनता है कढ़ी, मूछी, बारा, परे, चावल, चने की दाल। और अभी यहाँ पर मम्मी की तैयारी चल रही है बारा बनाने के लिए। दाल को उन्होंने धोकर के रख दिया है पीसने के लिए, बाकी उन्होंने चने का दाल चढ़ा दिया है पकने के लिए। मम्मी की तैयारी तो जोरों शोर से चल रही है खाना बनाने की, और मैंने भी आज सुबह सुबह ही नहा लिया। मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, मैं अपने गाँव के मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए, और मैंने वहाँ से ना काफी सारे इयररिंग्स खरीदे थे। तो उस वाली वीडियो पे ना मुझे मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी जो आप ब्लू कलर का इयररिंग खरीद के लेके आई है ना, उसको ना पूरा दिन पहन के रखिए और उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज मैं वही ब्लू वाला इयररिंग पहनती हूँ पूरे दिन के लिए। तो बस अभी मैंने ना अपना पुराना वाला इयररिंग जो था वो निकाल दिया है, और ब्लू वाला जो झुमका लाया था ना मैंने, वही वाला अभी पहन रही हूँ मैं। बाकी मेरे रूम में खिड़की के अलावा और कहीं भी शीशा नहीं है, तो मेरा रूम का जो खिड़की है वो मेरे लिए शीशा भी है और मेरे रूम का खिड़की भी है, इसीलिए मैं खिड़की में ही देख देख के पहन रही हूँ। तो चलिए फटाफट से पहनते हैं झुमका और निकलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। मम्मी की पिट्ठी पिस चुकी है, तो यहाँ पे मम्मी ने चढ़ा दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए, और इस साइड पक रहा है दाल, चने का दाल। तो ये है सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही मम्मी आज फ्राई करने वाली है बारा और मूछी भी। आज देखिए मम्मी बनाने वाली है अपने हाथों से बारा, छोटे छोटे बारे वो पूजा करने के लिए। मुझे ऐसे ना बनाने ही नहीं आता, जैसे हथेली पे रख के उसमें गोल गोल बनाते हैं ना, छेद करते हैं, इसके बाद डालते हैं तेल में छानने के लिए, मुझे वैसे बनाने ही नहीं आता। ऐसे बनता है, और मैं कैसे बनाती हूँ, मैं सीधे तेल में डाल देती हूँ और चम्मच से बीच में छेद कर देती हूँ। छोटे छोटे बारे कितना अच्छा लग रहा है छोटा छोटा देख के। मम्मी ऐसे ही सारा बनाओ ना। अभी मम्मी बड़े बड़े बारा बनाने जा रही हैं हम सबके लिए। मम्मी मेरे लिए एक छोटा सा बना दो ना प्लीज, छोटा सा, एक छोटा सा मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के वो छोटा छोटा। कब? अच्छा, मम्मी बोल रही है अभी नहीं मिलेगा खाने के लिए, कगवर निकल जाएगा तब मिलेगा। यहाँ पर मेरी बहन की अभी साफ सफाई चल रही है,
बहुत विधिवत से साफ सफाई होती है। हमारे यहाँ ना जब से COVID-19 का सब प्रॉब्लम आया है ना, तब से हर चीज़ पोछी जाती है, पेपर हर सामान। COVID-19 वाला जो रूल है ना वो अभी तक फॉलो किया जाता है। कुछ भी आता है बाहर से, सबसे पहले उसको अच्छे से पोछा जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। और यहाँ पर मम्मी अभी हम लोग के लिए 12 बना रही हैं, और वो छोटा वाला ना मेरे लिए है। आप लोग में से किसी किसी 12 बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे तो 12 बहुत अच्छा लगता है खाने में। क्या कर रही हो आदो? चादर धो रही हो? ये चिड़िया कब से बाहर पीट रही थी, और मुझे लग रहा था कौन पीट रहा है, और जैसे ही मैं नज़दीक आऊँगी बस उड़ जाएगी। कब से यहाँ पर बैठ के पीट रही थी इस पत्थर को। आज मैं मम्मी से सीख के रहूँगी कि कैसे 12 बनाते हैं वो वाले। मम्मी कैसे आप बनाती हो, चलो मुझे बताओ आज। पहले ऐसे हाथ में मम्मी ने पानी लगाया, फिर ऐसे गोल गोल किया, फिर उसको हाथ में डाला, फिर और ऊपर से पानी लगाना होता है। अच्छा, फिर ऊपर से और पानी लगाना होता है। पानी लगा के गोल गोल करना होता है, उसके बाद चम्मच से ऐसे करना होता है। मम्मी बता रही है कि पहले जब मम्मी बनाती थी ना, तो उस समय रहट्ठे का सीख से अगल बगल ना उसको ऐसे ऐसे कर देती थी, जैसे अभी मम्मी चम्मच से कर रही है ना, पहले रहट्ठे के सीख से करती थी, लेकिन अभी रहट्ठा है नहीं तो इसीलिए मम्मी चम्मच से कर रही हैं। आज के दिन ऐसे किया जाता है, मम्मी कह रही है। आज मैंने मम्मी को देख लिया ऐसे बनाते हुए, अब मैं अभी जरूर ऐसे ही बनाऊंगी, ट्राई जरूर करूंगी। आज मैंने सीख लिया 12 कैसे बनाते हैं, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी जब भी बनाऊंगी 12। और अब मम्मी जा रही है बेसन चालने मुझे बनाने के लिए। हम लोग के पास ना मूछी झाड़ने वाला जो मशीन आता है ना वो नहीं है, इसीलिए मम्मी पौनी की ही मदद से आज मूछी बना रही हैं। ये जो मूछी का आटा है ना, मम्मी ने सिर्फ बेसन और पानी से बनाया है। ये आटा थोड़ा सा सख्त है, जिसकी वजह से आराम से हमारा जो मूछी है ना वो बन जाता है। कुछ मूछी को ना मम्मी सूखा ही ऐसे कोर्रा रख देंगे खाने के लिए, बाकी कुछ मूछी और फरे बनाएंगे कढ़ी बनाने के लिए। आज के दिन जितना भी कुछ बन रहा है, यही सब कुछ बनता है भक्तवान वाले दिन। जब किसी की शादी रहती है तो जिस दिन उसका भक्तवान रहता है तो उस दिन भी यही सब कुछ बनता है। तो अभी मम्मी बना रही है ना, तो मुझे वही सब याद आ रहा है। और यहाँ पर मम्मी के सारे 12 छन चुके हैं, और मूछी और फरे भी छन चुके हैं। तो अभी मम्मी जा रही है कढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना कढ़ी बनाने के लिए मम्मी तैयार कर रही है बेसन का घोल। तो यहाँ पर आधा कप मम्मी ने लिया है बेसन, और बस उसमें डाल दिया है 6 कप पानी, और बस उसका अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लिया है। बाकी यहाँ पर मम्मी ने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, और उसमें जीरा, राई और मेथी, लाल मिर्च का तड़का दिया है। आज हमारे पास दही नहीं था कढ़ी बनाने के लिए, तो इसीलिए ना मम्मी ने दही की जगह पर टमाटर का यूज किया। टमाटर भी हमारे पास सिर्फ एक ही था, लेकिन फिर भी उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। यदि और टमाटर रहता तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता, लेकिन एक टमाटर में भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कढ़ी नहीं बनाना है, सिर्फ 3-4 लोगों के लिए ही बनाना है। बाकी इसके बाद ना मम्मी ने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है, बस जो बेसन का घोल बनाया था ना उसको डाल दिया है। और घोल डालने के बाद बस हमें हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाना है, जब तक कि इसमें अच्छा खासा उबाल ना आ जाए, वरना जो हमारा कढ़ी है ना वो फटने का उसमें डर रहता है। तो बस मम्मी उसको अभी लगातार चला रही हैं। बाकी जब उबाल आ जाएगा ना, जब उतारने का टाइम आएगा, तो हमने जो उसमें मूछी और फरे बनाया था ना वो डाल देंगे। इसके बाद हम उसमें नमक डालेंगे लास्ट में, वरना डर रहता है फटने का। तो चलिए, मम्मी की कढ़ी भी बनके तैयार हो चुकी है, और आज तो मेरी बिल्कुल छुट्टी है सारे कामों से, किचन के भी काम से और बाकी के भी कामों से। और यहाँ पर ना मम्मी अभी लगा रही हैं आटा, पापा के लिए रोटी सेकना है, तो मम्मी अभी यहाँ पे लगा रही हैं आटा। मम्मी का सब कुछ तो बनके तैयार हो चुका है, तो बस यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहा है बस कवर निकालने के लिए। मम्मी यहाँ पर थाली लगा रही हैं, जो कुछ भी बनाया है ना थाली में लगा रही हैं।
गुड़ और काला तिल भी चढ़ाया जाता है ना, तो इसीलिए गुड़ को मम्मी ने थोड़ा सा कूच कर रखा है और बाकी काला तिल भी ले लिया है। आज ना मम्मी ने मुझे भी फेल कर दिया। आपको पता है मम्मी 9 बजे नहा के आई हैं और अभी ना 10:30 बज रहा है, लेकिन फिर भी मम्मी ने इतना सब कुछ इतने कम टाइम में फटाफट से बना लिया। मैं ना सोच रही थी कि मम्मी इतना जल्दी नहीं बना पाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मम्मी ने तो काफ़ी जल्दी बना लिया। इतना जल्दी तो मैं भी नहीं बना पाती इतनी सारी चीज़ें। मम्मी की थाली लग चुकी है कगवर वाली और पापा जा रहे हैं कगवर निकालने के लिए। तो अभी कगवर निकल चुका है, तो चलिए अब हम सभी भी खाना खा लेते हैं। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है चावल के ऊपर कढ़ी को और ना चने के दाल को ना एक साथ डाल करके ना उसको मिक्स करके खाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ना मैंने मेरी बहन को बोला कि चावल के ऊपर ये कढ़ी और उसके ऊपर चने का दाल डाल करके दो। तो चलिए थाली लग चुकी है, तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खाना खा करके नीचे और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद मुझे करनी है वीडियो की एडिटिंग। शाम को मैं आने वाली हूँ आप सभी के पास, तो इंतज़ार करते रहिएगा मेरा। और बस चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं पेंट करने जा रही हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कैसे लगे कड़ी मोची बारे ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अच्छा लगा हो वीडियो ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, से हमेशा जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में।